मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है ना देश की 130 करोड़ जनता को बताना चाहता हूँ कि यादव समाज देशभक्त एक मार्शल जाति रही है। समय समय पर हलके साथ जब भी सीमा पर दुश्मन ने अटैक किया तो हथियार उठाकर चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, सबसे ज्यादा शहादत और सबसे ज्यादा बलिदान इस देश के लिए यादव जवान वीरों ने दिया है। और इसका उदाहरण है अभी पिछले दो दिन पहले 18 नवंबर 1962 को रेजंगला की एक ऐसी लड़ाई हुई थी जो विश्व की 8 महानतम लड़ाइयों में अगर सही मायनों में इस देश का कोई बुद्धिजीवी कोई लेखक अगर इस देश के लोगों का इतिहास बताए तो 18 नवंबर 1962 दिवाली के दिन जब चाइना ने रात को 2:30 बजे अटैक किया था धोखे से, उस समय चारों तरफ से चाइना भारत पर हैवी हो रहा था, वो चारों तरफ कब्जा करता हुआ जा रहा था। उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया हम इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमारे पास जवान कम है, हथियार कम है, आप वापिस आ जाओ। लेकिन एक रजंगला पहाड़ी पर 13 कमाऊ रेजिमेंट मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 हीरो की टुकड़ी जब उन तक मैसेज गया तो उन्होंने शैतान सिंह भाटी से कहा हम दादा कृष्ण की औलाद हैं, आई रहे मरेंगे या मारेंगे पर भारत माँ की सीमा को छोड़कर नहीं जाएंगे। और उसी दिन को हम यादव शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। जय यादव, जय यादव, जय यादव। वो यादव की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। जो यादव की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। और वो विषम की 8 महानतम लड़ाइयों में देश की सबसे बड़ी लड़ाई थी। 114 वीर हरियों ने शहादत देकर 1359 जवान चाइना के मार गिराए और शहादत और बलिदान देकर चाइना को वापस मोड़ने पर मजबूर कर दिया। और एक बड़ा तबका जो अभी भी यादव समाज का जो भारतीय सेना में अपना योगदान देता है, बलिदान देता है, वो क्या समझते हैं कि उनका बलिदान क्या व्यर्थ जा रहा है अगर वो ऐसी रेजिमेंट नहीं होने के लिए? जब तक कांधे पर हमारे बाप का नाम अहिर नहीं लिखा होगा, जब भारतीय सेना के अंदर सिख जाट गोरखा मराठा नागर रेजिमेंट हो सकती है जिन्होंने 1857 में देश को आजाद कराया और हमें बागी कौम करार कर दिया अंग्रेजों ने, उस समय अंग्रेजों ने जिस जिसका साथ दिया था उसी टाइम की यह रेजिमेंट सिख जाट गोरखा बनाई थी। और जो गद्दार थे उनकी रेजिमेंट बना दी और जो देशभक्त थे यादव उनकी रेजिमेंट को तोड़ने का काम किया। आज हमारी प्रधानमंत्री से यही मांग है जो हम 12वीं बार इस संसद का घेराव करने के लिए यदुवंशी महासभा की क्रांतिकारी टीम आई है, अगर प्रधानमंत्री ने जल्द से जल्द इसी संसद के सत्र के अंदर अगर हाई रेजिमेंट के आंदोलन को और हाई रेजिमेंट की मांग को अगर मानने का काम नहीं किया तो प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ
कि यादव समाज देश में 26 करोड़ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये रोड पर निकल कर एक नारायणी सेना के रूप में एक दूसरी महाभारत की लड़ाई शुरू कर दे और आपको उखाड़ फेंकने का काम करे। इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इतने दिनों से जो हमारी मांग है, इस मांग को अपनी नैतिकता के ध्यान में रखते हुए हमारी मांग को अहिर रेजिमेंट को पूरा किया जाए, ये हमारी उनसे अनुरोध है। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं, मंडावली से आए हैं। अच्छा, पीछे बिहार से हैं। क्या लगता है कि आप जब बिहार से आए हैं, यदुवंशी समाज जो है आज कितना संघर्ष कर रहा है अपनी मांगों को लेकर? देखिए, हमारी संघर्ष तो ये 5000 साल पुरानी है, बाकी तो जब से ये भारत बनी है तब से है। ये 5000 साल पुरानी से हमारी इतिहास है, हम लोग 5000 साल उससे ये हाईलाइटेड है, देखे हैं कि महाभारत का युद्ध हम लोगों ने कितनी उस तरीके से, उसके बाद भी हमारी जो प्रभात युद्ध हुआ जिसमें हमने कितनी कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी आज तक है। अहिर समाज आज कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में? अहिर समाज आज हम लोग तो हम किसी चीज़ की मांग नहीं करते, क्योंकि हम लोग देश के हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। आज भी हमारी हम लोगों को मांग है कि जातिवाद ही खत्म कर दिया जाए, हमें इससे कोई उससे वो नहीं है, है ना। और नहीं तो हमारी जो छोटी सी मांग है, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अरेंजमेंट हमारा बनाया जाए, बस हमसे ये सरकार से अनुरोध है कि इस चीज़ को पूरा कर दिया जाए, यही इनसे मांग। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा दिलीप प्रदेश युवा अध्यक्ष मनीष यादव, मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार को, जो अहिर रेजिमेंट का मांग हमारा बहुत टाइम से चल रहा है पर ये सरकार नहीं सुन रही है, मैं इस सरकार को कहना चाहता हूँ ये अहिर रेजिमेंट का मांग जो है कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम देश का रक्षा के लिए बॉर्डर पे देश को रक्षा करने के लिए हम अहिर रेजिमेंट का मांग कर रहे हैं। आपको जैसे कि पता होगा, बड़े से बड़े जब हमला अगर किसी देश से होता है तो सबसे पहले वहां पर बॉर्डर पे है यादव को लगाया जाता है। जब यादव को बॉर्डर पे लगाया जाता है, यादव कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटता, लड़ने से अपने आप को जो है वो जान कुर्बान कर देता है पर वो पीछे नहीं हटता गद्दारों से। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जब हमारे समाज के लोग इतना बॉर्डर पे कुर्बानी दे रहा है, देश का रक्षा कर रहा है, उसके बाद आप क्यों नहीं ध्यान देते? आप उनका रेजिमेंट बना रखे हो जिनका कोई परसेंट नहीं है हिंदुस्तान के अंदर उनका जनसंख्या का, उनका रेजिमेंट और हमारा रेजिमेंट क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मनीष जी, क्या लगता है कि क्यों इतना वक्त लग रहा है सरकार को रेजिमेंट का गठन करने में? देखो, सरकार जो है बिल्कुल गूंगी बहरी है, इनके कानों तक पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रहा, बल्कि यही रेजिमेंट हम जो मांग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं जो हमने इतना कुर्बानी दिया है, हम बॉर्डर पे लड़ाई करके दुश्मन के खिलाफ लड़े हैं। जिस टाइम में हिंदुस्तान गुलाम था उस टाइम भी हमारे यादव समाज के जो लोग थे, जो सेना में थे, आप यहाँ पे अंग्रेज को भगाने का काम किया, इतना बड़ा काम किया हमारे यादव समाज के फौजी ने, उसके बाद भी सरकार पता नहीं इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। मैं तो सरकार को कहता हूँ हमें बहुत खुशी है, आप हमारा रेजिमेंट मत बनाओ, लेकिन जो रेजिमेंट बना हुआ है उसको भी आप तोड़ दो, क्योंकि जातिवाद बिल्कुल खत्म होना चाहिए, यही सरकार कहती है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, जो ये इतने सारे रेजिमेंट बना हुए सेना में, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, आप सारे रेजिमेंट को आप तोड़ दो, आप देश के जो है या तो शहीद के नाम से रेजिमेंट बना दो या भारत के एक भारत रेजिमेंट के नाम से आप बना दो, ताकि सारे भारत के लोग आ जाएंगे उसके अंदर, जातवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप आए थे उस टाइम, आप बहुत अच्छा भाषण दिया था, जो हिंदुस्तान में हम जातवाद बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोई जातिवाद नहीं होगा। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक सेना इतना बड़ा, एक सेना का जो है एक जनसंख्या इतना बड़ा है पूरे भारत में, जो आज हम सांस भी ले रहे हैं तो उसी सेना के वजह से हम सांस ले रहे हैं। आप सेना में जात पात बिल्कुल खत्म कर दो और भारत के नाम से आप रेजिमेंट बना दो, हमें खुशी है इसमें।